अनारा जी, पहले फिल्म लाज, एक फिल्म जो आज मुहूर्त हुआ उसका, क्या कहना है इस फिल्म के बारे में? जी, बहुत टाइटल से बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे कि आपको पोस्टर पे तीन नायिकाएं दिख रही हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। और बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं कोई फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट करूं, बिकॉज हम लोग करते तो हैं फिल्म, लेकिन जो फ्रीडम, जो मज़ा, जो अथॉरिटी आपको एक फीमेल सब्जेक्ट में मिलते हैं, वो हम नॉर्मली बाकी फिल्म से नहीं मिल पाता, और ये वही फिल्म है। जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी है फिल्म की कहानी, कि तीनों हीरोइंस की अपनी अपनी कहानी है, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं और अपने अपने सॉल्यूशंस हैं, और कैसे वो तीनों लास्ट में एक हो जाती हैं, कैसे मिलती हैं अपनी अपनी कहानियों से, ये वो बेसिकली वो कहानी है। कहीं ना कहीं अगर बात करें इस फिल्म की, तो फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड की फिल्म लज्जा थी, ये उससे इंस्पायर्ड स्टोरी तो नहीं? नहीं, उससे इंस्पायर्ड नहीं है ऐसा आपको दिखने में लग रहा है, क्योंकि लाज और लज्जा इज़ वेरी कॉमन वर्ड्स, बट वैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, ये भोजपुरी जो हमारा कल्चर है उस पर बिलोंग है ये पूरा फिल्म। जैसे कि लाज हम लोग शर्म हया उस बेसिस पर हम लोग काउंट करते हैं, तो ये उस पर है एक फिल्म का जो सब्जेक्ट है, जो बेस है उस पर है। ज़्यादा कहानी नहीं रिवील कर सकती बिकॉज हमारे डायरेक्टर ने हमें स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं कि ज़्यादा नहीं बोलना है कहानी के बारे में, इसलिए नहीं बता पाऊँगी, बट आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी फीमेल ऑडियंस है, उनको ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पहली बार तीन नायिकाएं एक साथ में आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है उन दोनों के साथ आपका कैसा तालमेल रहेगा, मेल जोल? देखिए, गुंजन के साथ मैं ऑलरेडी रामलखन में कर रही हूँ फिल्म, और हम लोग बहुत फ्रेंड्स हो चुके हैं, आई थिंक वही फ्रेंडशिप हमारी अब तक हम मेनटेन है, हम लोग बेशक मिले ना मिले, लेकिन फ़ोन पे हमारी बातचीत होती रहती है। रिंकू के साथ मैं पहली बार काम करूँगी, बट ड्यू टू द शो नाचना चाहिए धूम मचाइए जो मैं कर रही हूँ, वहाँ पे उनसे मुलाकात होती रहती है, शी इज़ सो फ्रेंडली, तो आई नो कि लोग कहते हैं कि तीन हीरोइनें एक साथ काम नहीं कर सकती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बट हम ये जो लाइन है इसे गलत साबित कर देंगे। हम लोग बहुत इन्जॉय करेंगे फिल्म में, और कोशिश करेंगे जो हमारा किरदार है उसे हम जस्टिस कर सकें और ऑडियंस तक सही मैसेज पहुँचा सकें। वैसे आप कहाँ तक समझती हैं कि आज भी देश में जो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं लड़कियाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बंधन है, कहीं ना कहीं, तो ये फिल्म कहाँ तक उस बंधन को तोड़ सकती है? देखिए, भारतीय नारी कितना भी IAS ऑफिसर बन जाए, एक्ट्रेस बन जाए, या कुछ भी साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन आ जाके रात में वो अपने घर ही आएगी, बच्चों को खाना देगी, पति को भी खाना देगी, अपने सास ससुर के पैर दबाएगी, वो हमारे संस्कार हैं, और उन संस्कारों को हम कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि वही वैल्यूज़ की वजह से हम भारतीय कहलाए जाते हैं, तो डेफिनेटली वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और ऐश्वर्या राय भी अगर हीरोइन है, लेकिन घर में आके वो एक बहू का फर्ज निभाती है, तो हम ये नहीं भूल सकते कि वो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, और संस्कृति को नकार नहीं सकते, और हमें उसके साथ चलना है, क्योंकि हम उन्हीं वैल्यूज़ के साथ बड़े हुए हैं। हमें बताया गया कि अगर हमारे फादर बैठे हैं घर में, या भाई बैठे हैं, तो उनके सामने हमें किस तरीके से आना है, कैसे पेश आना है, वो हमें सिखाया गया बचपन से ही, हमें रोटी बनाना बचपन से सिखा दिया जाता है, तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, और वैल्यूज़ मैं नहीं चाहती हूँ मैं भूलूँ। आज भी मैं अपनी वैल्यूज़ को लेके चलती हूँ, और उसका बहुत सम्मान करती हूँ। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, तो मैं वो कभी नहीं भूलना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।